भाई कितना खतरनाक ट्रक बना दिया इसने, इतना जंग लग चुका है, इतनी पुरानी हो चुकी है, मुझे तो नहीं लगता यार ये गाड़ियां अरीना वॉर के अंदर लड़ पाएंगी। बाकी इसने जो गाड़ी ये बना दिया ना, मैं बता रहा हूँ यार ये अरीना वॉर के अंदर ना सबसे बेस्ट गाड़ी होने वाली है। हाँ तो यार मैं अरीना वॉर के अंदर आ चुका हूँ, बाकी तुम यहाँ का सीन देखो यार कितना तगड़ा सीन है। हेलो गाइस क्या हाल चाल, इट्स मी सावन और आज फिर से हम GT5 खेलने जा रहे हैं। तो ओके ब्रो मैं फटाफट से अभी लेस घर पे जा रहा हूँ। एक्चुअली उसने मेरे को अपने घर बुलाया, उसको एक बहुत तगड़ी कार की डील मिल चुकी है, तो वो उसी रिगार्डिंग मैं उसके घर पे जा रहा हूँ। बाकी यार मैं बता दूँ ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, कोई पार्ट मिस मत करना। तो ओके निकलते हैं यहाँ से। बाकी जैसे तुम देख रहे हो ये गाड़ी तुमने आज से पहले कभी भी नहीं देखी होगी। हाँ ब्रो यार मैंने न्यू वोल्वो गाड़ी मंगवा ली है। ब्रो आपको ना पता हो, मतलब यार आपको मेरे बारे में ना पता हो तो यार मैं आपको बता दूँ, मेरे को वोल्वो गाड़ियों का काफ़ी शौक है। और यार मैं काफ़ी टाइम से चाह रहा था कि अपन वोल्वो गाड़ी ले, तो यार फाइनली आज मैंने ले ली। और अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो यार आपको पता होगा जो ट्रेवर ने नया बिजनेस खोला है टैक्सी का, काफ़ी सही चल रहा है। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके देखो यार क्या कर रहे हो तुम। तो ओके फटाफट से अपन चल रहे हैं। बाकी यार मेरे को लेस्टर ने कुछ नहीं बताया कि डील वील में है क्या, मतलब कौन सी गाड़ी क्या गाड़ी है, तो अभी वहीं जाके पता लगेगा कि डील के अंदर अपने को कंप्लीट करना क्या और कौन सी गाड़ी चाहिए ऑर्डर में। तो यार मैं आपको बता दूं मैं जा रहा हूं लेस्टर के नए वाले घर में। आपको ना पता हो लेस्टर ने हाल ही में एक बहुत तगड़ा सीक्रेट बेस अपने लिए तैयार करा है, तो अपन वहीं पर जा रहे हैं फटाफट से। तो यार लेस्टर ने अपने नए घर की लोकेशन कुछ इधर ही बताई थी, तो यार आई थिंक इस बिल्डिंग में हो सकता है, क्योंकि यार लेस्टर ने यही बिल्डिंग बताई थी। बाकी यार ये बंदा क्या टक्करें मार रहा है, और इस टक्कर में मैंने अपनी गाड़ी की भी टक्कर मार ली, तो खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ मैं गाड़ी पार्क कर देता हूँ। तो यार ओके भाई देख रहे हो लेस्टर की इतनी प्रमोशन वगैरह हो रखी है, एकदम से पूरे गाड़ वाड़ लगा के रखे हैं यहाँ पे। बाकी यार मैं एंटर कर चुका हूँ और काफ़ी सही बना रखा है इसने घर, मतलब यार पिछले वाले घर से काफ़ी प्रमोशन कर ली इसने। तो यार ओके ऊपर चलता हूँ मैं, आई थिंक ऊपर ही होगा। बाकी यार इसका घर ना थोड़ा अजीब सा ही है, मतलब यार ओपन ओपन सा है। और ये मैं बेडरूम में आ चुका हूँ और यार इधर भी लेस्टर नहीं है। तो यार ये लेस्टर का ही घर है ना, मुझे शक हो रहा है कि ये लेस्टर का घर नहीं, मुझे लग नहीं रहा कि यार लेस्टर इतना अच्छा घर बना नहीं सकता। तो ओके यार एक बार नीचे जाके गार्डों से पूछ लूँ। बाकी यार ये पर्दा क्या लगा, एक मिनट चेक कर ले। तो ओके ब्रो फाइनली अपने को लेस्टर मिल गया, मतलब यार लेस्टर ने देखो यार कितना तगड़ा अपना घर बना रखा है, और इस कितना सीक्रेट बेस कितना तगड़ा बना लिया इसने। तो ओके यार मैं लेस्टर से बात कर लेता हूँ। हाँ तो यार लेस्टर ने मेरे को बताया कि इसको बहुत तगड़ी दो गाड़ियों का ऑर्डर मिला है, और वो गाड़ियाँ नॉर्मल बिल्कुल नहीं होने वाली। एक्चुअली यार वो है अरीना वॉर्स की गाड़ियाँ। आपको ना पता हो तो यार मैं बता दूँ अरीना वॉर एक बहुत तगड़ा टूर्नामेंट होता है, जिसके अंदर यानी कि गाड़ियों की लड़ाइयाँ वगैरह कराई जाती हैं। तो यार उस टूर्नामेंट के अंदर नॉर्मल गाड़ियाँ बिल्कुल नहीं होती, मतलब बहुत खतरनाक गाड़ियाँ होती हैं। तो यार वही गाड़ियाँ अपने को डिलीवर करनी है। बाकी यार ये जो गाड़ियाँ होती हैं अरीना वॉर्स वाली, ये नॉर्मल मार्केट में अवेलेबल नहीं होती, तो यार ये अपने को कस्टमाइज खुद प्रिपेयर करनी पड़ती है। पर यार ब्रो इतना अपने पास टाइम नहीं है कि अपन ये प्रिपेयर करें। तो यार लेस्टर ने मेरे को बताया कि ये जो दो गाड़ियाँ ना ये है लॉस गैंग वालों के पास, तो अपन इजीली वहाँ से जाके चुरा सकते हैं। तो अपन यार लॉस गैंग से चुराने जा रहे हैं। बाकी यार मेरे को लेस्टर ने पूरी लोकेशन वगैरह बता दिया कि लॉस गैंग वाले कहाँ कहाँ होते हैं, तो फटाफट से अपन चलते हैं, कोशिश करेंगे कि अपन चुरा लें। तो ओके ब्रो फटाफट से अभी मैं निकल रहा हूँ। बाकी यार लेस्टर ने बहुत तगड़ा ही बेस बना रखा है, मतलब ये पर्दा सा लगा रखा है कि किसी को पता ही ना लगे कि अंदर काम कर रहा है। बाकी यार इसने सर्वर वगैरह भी कितने तगड़े तगड़े लगा रखे थे। तो ओके यार मतलब काफ़ी प्रमोशन वगैरह कर रहा है। तो ओके फटाफट से निकलते हैं। बाकी यार ये लॉस गैंग आपको बता दूँ, मतलब एक बार बता दूँ मैं आपको कि लॉस गैंग के बारे में आपको ना पता हो तो यार लॉस गैंग एक बहुत तगड़ी गैंग है। तो यार इनसे पंगा लेना ठीक होगा या नहीं होगा, खैर यार अपन भी काफ़ी बड़े गैंगस्टर है लॉस सैंटोस के, तो बंदा है ना अपन भी पंगा ले सकते हैं। बाकी यार इधर ही बताया था कि वो भी अपनी गाड़ियाँ कस्टमाइज़ कर रहे हैं अपने गैरेज के अंदर। तो क्या आई थिंक यार यही गैरेज है उनका, जहाँ पर वो अपनी सारी गाड़ियाँ वगैरह प्रिपेयर कर रहे हैं। तो यार मैं इधर से जाके देख लूँ कौन सी साइड हो सकते हैं वो। तो अभी गन मत निकाल यार, पहले ही वो मारने वगैरह शुरू कर देंगे। तो एक मिनट यार इधर मैं देख लूँ। तो क्या इधर एक बंदा खड़ा है, इसको बताना नहीं, फटाफट से निकल लेते हैं यहाँ से। और एक मिनट यार यहाँ पर इनके पास गाड़ियाँ वगैरह तो कुछ है नहीं, और ये एक इनका ग्रुप खड़ा है सामने, और इनके पास आई थिंक एक आधी गाड़ी आई हुई रिपेयर के लिए। इतनी बड़ी गैंग तो लग नहीं रही यार मेरे को। तो ओके यार इधर लेस्टर ने बताया था कि ये जो गाड़ियाँ खड़ी करते हैं सारी पीछे खड़े करते हैं, तो नो ब्रो यार इन उनके पास तो यहाँ पर कोई है ही नहीं यार। लेस्टर ने तो यार ये लोकेशन बताई थी कि अरीना वॉर्स वाली गाड़ियाँ इनके पास ही होती हैं। बाकी यार इनके पास जो बंदे बंदे हैं ना,
इनसे सबके पास गन्स वंस है, तो यार इनसे मैं पंगा नहीं लेने वाला। बाकी यार ये बंदा एक साइड पे खड़ा है और मेरे को ये फालतू बकवास कर रहा था। अबे मेरे को मारेगा क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, ये कट्टा निकाल लिया मैंने, अभी कट्टे से ढूंढूंगा साले। एक मिनट यार मैं इधर चले जाऊँ, ये काफ़ी बंदे हैं, इनको मैं यहाँ पर कवर लेके मारूंगा, क्योंकि यार इतना मैं मरना नहीं चाहता इतनी जल्दी अपने को अरीना वर्ल्ड के अंदर जो गाड़ियाँ वगैरह अभी डिलीवर करनी है। तो ओके सारे कट्टे से मारेगा, और यार गन मैं कोई तगड़ी सी निकाल लूँ क्योंकि यार यहाँ पर बंदे बहुत ज़्यादा हैं। ओके यार मैंने ये दो चार बंदे तो मार दिए, तो ये इधर यार मतलब कहाँ कहाँ से आ रहे हैं बंदे कोई यार। ये एक मिनट यार, ये इधर इधरली साइड पे भी एक बंदा, इसको भी मार दूँ तो यार। बाकी यार ये एक मिनट यार, ये वाला बंदा ओक्चो भाई नीचे से मार रहा है साला, थल्ला मैं नीचे से मार रहा है। बाकी यार मैं लास्ट बंदा आई थिंक ये रह गया, इसको मैं मारने नहीं वाला, इसको मैं स्टन गन से मारूंगा। तो ब्रो सही रहेगा ना, मतलब स्टन गन से इसको मैं बेहोश करके पूछ लेता हूँ फटाफट से कि तुम्हारी जो वो टूर्नामेंट वाली गाड़ी है वो है कहाँ पे। आई थिंक ये रिवील कर देगा भाई, इतना करंट वरंट खाने के बाद तो कोई भी रिवील कर देगा। अब स्टन गन भी नहीं लग रही इसको। ओके यार ओके ओके लग गई। तो ओके ब्रो मैंने यार इससे सारा सीन वीन पूछ लिया, ये बता रहा है कि यार जो ये टूर्नामेंट वाली गाड़ियाँ हैं ये अरीना वॉर के टूर्नामेंट के अंदर एंटर कर चुके हैं, तो यार वो अपने को वहीं से चुरानी होगी। पर यार वहाँ टूर्नामेंट में एंटर करने के लिए अपने को चाहिए होता है एक कार्ड, तो यार मैं फटाफट से लेसो कॉल कर लेता हूँ, वो अपने को एक नकली कार्ड बना के देगा जिससे अपन वहाँ टूर्नामेंट के अंदर एंटर कर सके। बाकी यार लेसो से मैंने अभी कॉल पर बात करी तो मुझे पता लगा कि यार वो टूर्नामेंट के अंदर कोई कार्ड नहीं रखता। हाँ ब्रो कोई आइडेंटिटी कार्ड अपने को नहीं चाहिए, अपन नॉर्मली वहाँ पर जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मतलब वहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो यार फटाफट से मैं अरीना वॉर के एरिया में जा रहा हूँ, मतलब जहाँ पर वो अरीना वॉर टूर्नामेंट हो रहा है वहाँ पर अपन जा रहे हैं। बाकी यार टूर्नामेंट के अंदर से गाड़ी चुरानी बहुत मुश्किल हो सकती है, क्योंकि यार वहाँ पर गार्ड्स वगैरह भी होंगे और लॉस गैंग के बंदे भी होंगे। खैर कोई टेंशन वाली बात नहीं, यहाँ पर भी तो गैंगस्टर हैं, तो कोई नहीं बंदे वंदे पेल देंगे। यार फटाफट से मैं चलता हूँ टूर्नामेंट के अंदर। तो यार यहाँ पर हो रही है, मेरे को पता लगा है अरीना वॉर की टूर्नामेंट, तो फटाफट से यहाँ पर एंटर कर लेते हैं। तो आई थिंक इधरली साइड से एंट्री होगी। ओके ओके आई थिंक यार मैं गलत आ चुका हूँ, मुझे निचली साइड जाना था, जो पार्किंग का एरिया अरीना वॉर का वो निचली साइड से है। तो मैं बैक फटाफट गाड़ी कर लेता हूँ, यहाँ से बैक चलता हूँ। तो यार यहाँ मैं गाड़ी पार्क करके फटाफट से अंदर चलता हूँ, यहाँ पर से मुझे लग रहा है कि सीधा रास्ता पार्किंग को जाता होगा। तो यार मैं इनके वेयर हाउस में तो आ चुका हूँ, पर यार यहाँ पर मेरे को कोई गाड़ी दिख ही नहीं रही ब्रो। आई थिंक यार ये एक रास्ता जाता है, मे बी यार नेक्स्ट पार्किंग लॉट के अंदर उनकी कोई गाड़ी खड़ी हो। तो यार लेस्टर ने तो बोला था मेरे को कि यार गाड़ी होगी, पर यार यहाँ पर तो लॉस गैंग वाले बंदों के साथ ये एक ट्रक खड़ा है। बाकी यार ये ट्रक भी काफ़ी यूनिक ही लग रहा है मेरे को, मतलब अजीब सा लग रहा है। तो यार फटाफट से इन बंदों को मारना चाहिए क्या? मैं अगर इनके सामने से यार मैं ट्रक ले गया तो ये ऑफकोर्स सी बात अपने पर अटैक करेंगे और गाड़ी भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो यार इजीली सी बात रहेगी कि इनको मारना ही चाहिए। तो यार पर मैं मारूं कैसे, तकरीबन कोई तीन बंदे हैं आई थिंक, इधर साइड से मैं इनको मार सकता हूँ। बाकी यार ये बंदे पूरी दीवार पे कर क्या रहे हैं, मतलब उधरली साइड सिक्योरिटी, ऐसे सिक्योरिटी होती है क्या? तो यार मैं कोई कट्टा निकाल लिया मैंने, अभी कट्टे से पेलूंगा इनके, इतने कोई बंदे तो है नहीं, तीन चार। अच्छा जी मतलब देख, अबे यार इधर है, अबे साले तू इधर खड़ा। तो यार इस बंदे को भी मार दिया मैंने, और ये बंदा देखो एक बार, नहीं भाई देखो इसको कुछ पता ही नहीं। अच्छा अच्छा हमको मारेगा। तो यार ये बंदा भी मैंने मार दिया, ओ माय गॉड तू मुझे मारेगा, हमको मारेगा क्या? तो क्या मैंने इसको भी मार दिया। तो यार सारे बंदे मर चुके हैं, फटाफट से अपन ये ट्रक लेके निकल लेते हैं यहाँ पे। तो यार वैसे ये ट्रक सही में ब्रो काफ़ी तगड़ा है, मतलब यार सोचा नहीं था मैंने यार, पर मेरे को ये बात भी नहीं पता था कि यार इस टूर्नामेंट के अंदर ट्रक्स वगैरह भी अलाउड है। तो यार काफ़ी सही सीन है कि भाई ट्रक भी अलाउड है यार। तो यार काफ़ी मुश्किल हो रहा है, मतलब इस पार्किंग के अंदर यार लेके कैसे आए होंगे। तो फटाफट से इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ। तो फाइनली ब्रो मैंने गाड़ी तो चुरा लिया और अपने पीछे पुलिस भी नहीं लगी, पहली बार ऐसा हो रहा है। तो यार लॉस गैंग की गाड़ी है तो पुलिस भी इतना ध्यान नहीं देने वाली। बाकी यार मैं फटाफट से अभी लेस्टर के ऑफिस जा रहा हूँ, और लेस्टर ने मेरे को जहाँ तक याद है मेरे को कि लेस्टर ने मेरे को बताया था अपने को तकरीबन कोई दो गाड़ियों की जरूरत पड़ेगी। तो ब्रो ये तो तकरीबन कोई एक ही ट्रक मिला है, तो यार दूसरी गाड़ी कहाँ से अरेंज करनी मेरे को बिल्कुल नहीं पता। बाकी यार मेरे को भी याद आया कि मेरा जो स्क्रैप यार्ड है वहाँ पर तकरीबन कोई दो गाड़ियाँ आई हुई हैं पुरानी, वो भी कहीं ना कहीं मतलब टूर्नामेंट में कभी यूज़ करी गई थी। तो यार अपन उस गाड़ी को मॉडिफाई करवा के दोबारा इनको टूर्नामेंट मतलब ये ऑर्डर पूरा नहीं कर सकते क्या? तो यार अभी मैं आई थिंक वो गाड़ियों को अगर बैनी के पास लेके जाऊँगा वो कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के कुछ ना कुछ तो करेगा यार, मतलब उन गाड़ियों के साथ। तो यार ये लेस्टर का ऑफिस आ चुका, फटाफट से मैं इस ट्रक को अंदर खड़ा कर देता हूँ। बाकी यार ये बंदा बीच में जा रहा था, और ये देखो भाई इसने गेट भी तोड़ दिया। तो यार फटाफट से इस ट्रक को मैं एंटर करवा देता हूँ। बाकी यार ये ट्रक काफ़ी तगड़ा है, मतलब जो भी इसके आगे आएगा ना तो पेला जाएगा। तो यार ये ट्रक मैंने खाली यहाँ पर खड़ा कर दिया।
बाकी यार सामने से गाड़ी आ रहा है, उसके मैंने कट्टा मार दिया और ये बंदा दीवार में ठोक रहा है। मतलब भाई तब तुम मर रहा है तो तुझे कितना क्या शौक है दीवार में ठोकने का। तो फटाफट से अभी अपन स्क्रैप यार्ड पे जा रहे हैं। तो हाँ ब्रो यार कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम मतलब तुम्हें लगता है कि यार जो स्क्रैप यार्ड वाली गाड़ी है ये अरीना वॉर वाली गाड़ी में कन्वर्ट हो सकती है। बाकी यार बैनी को तो काफ़ी एक्सपीरियंस है, मतलब अरीना वॉर्स वाली गाड़ियाँ ये बनाता रहता है टूटी फूटी गाड़ियों से, तो इसको तो काफ़ी एक्सपीरियंस है। पर यार जहाँ तक मैंने वो गाड़ियों को देखा है मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि यार वो गाड़ियाँ मतलब कन्वर्ट की जा सकती हैं, उसकी हालत ही इतनी ख़राब है। तो यार फटाफट से अभी वहाँ पर मैं स्क्रैप यार्ड पर जाके आपको दिखाता हूँ कि वो गाड़ियाँ कितनी पुरानी हैं। तो क्या मैं स्क्रैप यार्ड आ चुका हूँ, यहाँ पर मैं गाड़ी साइड पे लगा के आपको दिखाता हूँ कि वो गाड़ियाँ कितनी पुरानी हैं। ब्रो यार ये जो सामने खड़ी हैं यही हैं वो गाड़ियाँ। यार मुझे तो लगता है इसका जो इंजन वगैरह भी वर्क नहीं करता होगा। भाई तुम इसकी हालत देखो यार एक बार। भाई किसी टाइम पे एरिना वॉर के अंदर मतलब यूज़ करी गई थी, पर यार अब तो नहीं ब्रो। नहीं यार इतना जंग लग चुका है, इतनी पुरानी हो चुकी है, मुझे तो नहीं लगता यार ये गाड़ियाँ अरीना वॉर के अंदर लड़ पाएंगी। पर यार फिर भी अपन अपनी तसल्ली के लिए ये बैनी के पास लेके जा रहे हैं। तो यार मैं फटाफट से एक ट्रेलर मंगवा लेता हूँ जिसके अंदर अपन ये गाड़ियाँ लेके जाएंगे। तो क्या ट्रेलर आ चुका है, मैंने इन गाड़ियों को भी लोड कर लिया है। तो फटाफट से अपन जा रहे हैं अब बैनी की शॉप पे। बाकी यार मेरे को बैनी ने बताया कि तकरीबन उसको 2-3 दिन लगेंगे इन गाड़ियों को मॉडिफाई करने में, और इसमें से दोनों में से एक ही गाड़ी अपने को मॉडिफाई करवानी है। वो बोल रहा है दोनों गाड़ियाँ ले आ, उसमें से मतलब जो भी इसको अच्छी गाड़ी लगेगी जो मॉडिफाई हो सकती होगी वो गाड़ी वो मॉडिफाई कर देगा। बाकी यार तुम्हें लगता है कि यार ये बैनी अपना ये ऑर्डर कंप्लीट कर पाएगा? अगर ये गाड़ी इसने कंप्लीट नहीं कर पाया, मतलब ये मॉडिफाई नहीं कर पाया, तो अपने को तकरीबन कोई $600 बिलियन का घाटा हो जाएगा। हाँ ब्रो यार मैंने आपको पहले अमाउंट नहीं बताई थी कि अपनी डील तकरीबन कोई $600 बिलियन की है। तो यार अपने को ये ऑर्डर कंप्लीट करना ही करना है, इतने ज़्यादा पैसे मैं ऐसी जाने नहीं दे सकता। तो यार मैं बैनी की बिल्डिंग में तो आ चुका हूँ, आई थिंक यार यही बिल्डिंग थी बैनी की। तो क्योंकि यार यही बिल्डिंग थी, मैं फटाफट से यार ट्रेलर खड़ा करता हूँ और ये गाड़ियाँ अंदर लेके चलता हूँ। तो ओके ब्रो मैंने बैनी को बता दिया कि अपने को इन गाड़ियों के अंदर क्या क्या स्पेसिफिकेशन चाहिए और अपने को कैसे कैसे मॉडिफाई करनी है। तो यार ये बोल रहा है कि तकरीबन ये दो गाड़ियों में से एक ही गाड़ी मॉडिफाई हो पाएगी, मैंने कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो यार तकरीबन कल ही मिलते हैं अपन इसको, फिर देखते हैं ये कैसा मॉडिफाई करता है इन गाड़ियों को। 2 days later हाँ तो यार मुझे भी बैनी की कॉल आई है, वो बोल रहा है अपनी गाड़ी रेडी है, तो यार फटाफट से लेने चलते हैं। बाकी यार जैसे तुम देख रहे हो भाई लेस्टर भी यहाँ आ रखा है, तो एक्चुअली यार वो पूरा कैश वगैरह लेके आया जो अपन ने बैनी को देना है, और ये भी अपने साथ चलेगा। बाकी यार आपको याद है जो मैंने अरीना वॉर वाली लॉस गैंग की वो जो ट्रक चुराया था वो भी यार लेस्टर दे के आ गया बैनी को। एक्चुअली बात यह है कि यार अरीना वॉर के अंदर जो गाड़ी एक बार रजिस्टर्ड होगी वो सेम गाड़ी कोई और अगर लेके आएगा तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाती है। तो यार लेस्टर ने बोला कि अपने को वो ट्रक को भी मॉडिफाई करवाना होगा। तो यार बैनी को मैंने वो ट्रक भी दे के आ गया हूँ जो अपने को मॉडिफाई करवाना है। तो अभी देखते हैं, शायद वो ट्रक भी उसने मॉडिफाई करवा दिया होगा, अभी वहीं जाके पता लगेगा कि सीन है क्या और उसने मॉडिफाई करी भी है या नहीं करी। तो अभी वहीं पर जाके देखते हैं। तो ओके मैं बैनी की बिल्डिंग के पास आ चुका हूँ और मैं ये क्या देख रहा हूँ भाई, कितना खतरनाक ट्रक बना दिया इसने। जैसे कि तुम देख रहे हो क्या हम देखे गए थे इसको और क्या बना दिया, पूरे कांटे वांटे लगा दिए इसके अंदर। भाई मैं तुम्हें फर्स्ट से व्यू देता हूँ कि देखो यार, देख रहे यार क्लोज से कितना सही लग रहा है ट्रक। भाई मैं बता रहा हूँ भाई बैनी अपना बहुत दिमाग वाला बंदा है, उसने एकदम क्या सीन बना दिया इसके। बाकी टायर वगैरह भी पूरे कवर कर दिए हैं कि इसके अंदर कोई कांटा वगैरह भी मारे, मतलब कुछ भी मारे तो यार टायर वगैरह फूटे ना। बाकी यार इसने सीन बहुत तगड़ा बना दिया है। तो यार बाकी मैं फटाफट से अभी बहनी को अंदर जाके पूछता हूँ, वो जो अपन ने दो गाड़ियाँ दी थी शायद वो भी मॉडिफाई हो गई होंगी। और मैं ये क्या देख रहा हूँ, अबे इसने तो दोनों की दोनों गाड़ी मॉडिफाई कर दी। अबे यार मैंने तो इसको बोला था कि दोनों में से एक गाड़ी मॉडिफाई करनी है, तो इसने तो दोनों की दोनों मॉडिफाई कर दी। तो यार बाकी तुम लुक देख रहे हो कितनी तगड़ी आ रही है इसकी। मैं मतलब यार भंगार की गाड़ियों को बहनी ही ऐसा एक बंदा है जो कन्वर्ट कर सकता है। बाकी इसने जो गाड़ी ये बना दिया ना, मैं बता रहा हूँ यार ये अरीना वॉर के अंदर ना सबसे बेस्ट गाड़ी होने वाली है, मतलब सही में यार बहुत तगड़ी गाड़ी होने वाली है। बाकी यार ये गाड़ी भी काफ़ी तगड़ी हो चुकी है। तो भाई भाई बैनी के बारे में क्या ही बोलूँ यार, इसने दोनों गाड़ियों के ऊपर कांटे वगैरह लगा दिए हैं। हाँ तो ब्रो यार आपको ना पता हो अरीना वॉर के अंदर गाड़ियों के अंदर अपन आर्मर प्लेट नहीं लगा सकते, उसके अंदर आर्मर प्लेट अलाउड नहीं होती। तो यार मैं ऊपर आ चुका हूँ और ये बैनी का ऑफिस बंद है, तो फटाफट से मैं बैनी को जाके मिल लेता हूँ, उसको कॉल करता हूँ कि वो है कहाँ पे। हाँ तो यार बैनी आ चुका है और इसको मैंने पेमेंट कर दिया है।
पर यार अभी सीन ये बन रहा है कि इसने तकरीबन कोई दो गाड़ियाँ ही मॉडिफाई कर दी हैं और अपने को रिक्वायरमेंट है एक की, तो यार अपने पास से एक गाड़ी एक्स्ट्रा हो रही है। बाकी तुम यार कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं सोच रहा हूँ कि अपन भी अरीना वॉर के अंदर टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर ले। तो यार पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना है ये तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी यार लेस्टर बाहर ही खड़ा है और ये बैनी ने एक ये ट्रेलर अरेंज कर दिया है, तो फटाफट से ये गाड़ियाँ मैं इसके ऊपर लोड कर लेता हूँ। तो यार मैं ऐसा कुछ करने जा रहा हूँ जो लॉस सैंटोस में आज से पहले कभी भी नहीं हुआ। देखो ब्रो, अपन ने ट्रेलर के ऊपर ट्रक लोड कर दिया। भाई लाइक सीरियसली यार, ट्रक ट्रेलर के ऊपर लोड हो चुका, मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा। देखो यार कितना ऊपर है। तो वो क्या, दूसरी गाड़ी भी अपन ने लोड कर लिया, फटाफट से अपन चलते हैं। बाकी यार जो थर्ड गाड़ी थी वो अपन नहीं लेके जा रहे। हाँ ब्रो यार, वो गाड़ी अपन अपने लिए रख लेंगे या खुद चलाएंगे। तो यार लेस्टर फटाफट से चल पड़। हाँ तो यार मैं अरीना वॉर के अंदर आ चुका हूँ। बाकी तुम यहाँ का सीन देखो यार, कितना तगड़ा सीन है। मतलब इससे तगड़ा सीन मैंने आज तक नहीं देखा यार, बहुत सही है यार। बाकी यार अपने को गाड़ी डिलीवर करने से पहले अपने को ना यहाँ पर ये रैंप पे चला के देखनी होगी, मतलब छोटा सा टेस्ट ड्राइव लेनी होगी कि ये गाड़ी इस रैंप पे चल पाएगी या नहीं। अगर नहीं चल पाई तो यार ये गाड़ी डिस्क्वालीफाई हो जाएगी और अपने को कोई पेमेंट नहीं मिलेगी। तो यार इस करके अपने को पहले यार टेस्ट करना होगा कि ये गाड़ी यहाँ पर चल पाती है या नहीं। बाकी यार ये तो अलग ही ड्रिफ्टें मार रही है, अलग ही स्वैग में चल रही है। बाकी तुम ये साइड वाली चक्रियाँ देखो यार, मतलब बैनी ने अपना इतना दिमाग यूज़ कर लिया ना इस चक्रियों से। यार सीन ये बनेगा कि जो भी बंदा इसके आगे आएगा ना इससे लड़ने के लिए, उसकी गाड़ी यानी कि चक्री से कट जाएगी। तो यार मेरे को ना इसकी कंट्रोलिंग थोड़ी सही नहीं लग रही, पता नहीं यार भाई मुझसे कंट्रोल नहीं हो रही है क्या सीन है। मतलब यार अजीब से यार ये फिसली जा रही है। खैर यार यहाँ पर कोई रेस वेस तो होनी नहीं है, यहाँ पर तो गाड़ियों की टक्करें वकरे होनी है या फाइट वगैरह होनी है, तो उसमें तो कोई सीन नहीं रहेगा रेस वेस की। पर यार फिर भी गाड़ी की स्टेबिलिटी तो होनी चाहिए ना। पर यार आई थिंक यार इस गाड़ी की कंट्रोलिंग तो सही है, मुझे ही नहीं चलानी आ रही, क्योंकि यार आपको पता है वॉर की गाड़ी है, मैंने आज तक कभी चलाई नहीं है। खैर अभी तक चलाने में तो सही लग रही है और यहाँ पर इस टाइम पे चल भी रही है, तो आई थिंक यार ये गाड़ी तो पास ही है रैंप से। तो यार मैं अभी दूसरी गाड़ी ले आता हूँ, दूसरी गाड़ी का भी अपन टेस्ट कर लेते हैं। जो अपन ट्रक है उसका टेस्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि यार वो बहुत बड़ा ट्रक है, तो यार मुझे लगता नहीं कि यार वो यहाँ पर पास कर पाएगा। तो ओके यार मैं ट्रक लेके आ चुका हूँ, फटाफट से इसका भी टेस्ट कर लेते हैं। बाकी चलने में तो यार सही लग रहा है, मेरे को कोई दिक्कत लग नहीं रही। बाकी यार मेन इसका सीन रहेगा स्टंट्स का, अगर स्टंट्स कर पाया और लड़ पाएगा क्या। ओके ब्रो यार, मतलब एक सिंगल स्क्रैच भी आया इसके ऊपर, देख रहे हो ना यार। बैनी अपना लौंडा सही है, मतलब ऐसी गाड़ी बनाता है ना कि जैसे कोई बना ही ना पाए। बाकी यार अरीना वाली गाड़ियों का अलग ही सीन रहता है, इसने जो इसके ऊपर कांटे वांटे लगाया ना, मतलब इसके ऊपर कोई स्क्रैच व्रैच तो आने नहीं वाला। बाकी यार आपको जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जो अरेना की गाड़ियाँ होती है इसके अंदर कोई आर्मर प्लेट्स नहीं लगाई जाती, तो यार अपनी दोनों गाड़ियों के अंदर आर्मर प्लेट्स नहीं है यार, फिर भी ये गाड़ियाँ कितनी फास्ट भाग रही है। भाई देख रहे हो ना कितना तगड़ा ही सीन चल रहा है इनका। तो यार फटाफट से मैं इधर थोड़ा और इसको भगा के देख लेता हूँ, भागने में तो गाड़ी सही है। बाकी यार मैं एक दो बार थोड़ा ठोक के भी देख लेता हूँ, अरे इधर नहीं रोकना था यार, मतलब थोड़ा ठोक वोक के देख लेते हैं इसके ऊपर कहीं ठुकती है तो मतलब स्क्रैच व्रैच नहीं आना चाहिए। बाकी यार मैं यहाँ से भी कुदवा के इसको ठोक के देख लेता हूँ। तो नहीं ब्रो यार, अभी तक तो अपने को काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है गाड़ी। तो यार ये मुझे लग रहा है कि यार काफ़ी तबाही मचा सकती है, क्योंकि यार इतना बड़ा ट्रक आई थिंक यार इस टूर्नामेंट के अंदर कोई पार्ट नहीं ले रहा, तो यार काफ़ी सही रहेगा इसका। बाकी यार इसके अंदर जो आगे कांटे लगे हैं ना, वो दूसरी गाड़ियों को ना तबाह कर देने वाले हैं। तो ओके यार ये ट्रक का भी काफ़ी सीन सही चल रहा है, मतलब ये भी टेस्ट पे पास होता है और ये अभी डिस्क्वालीफाई नहीं होने वाला। तो वो ओके यार अभी इसकी पेमेंट रहेगी। बाकी यार लेस्टर ने बताया तकरीबन वो जो इसका ऑनर है दो तीन दिन में इसकी पेमेंट वगैरह कर देगा। तो यार यही थी कुछ आज की वीडियो। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन दबाना, चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटा आइकन दबा देना। खुश रहो, बाद में मिलते हैं अगली वीडियो में।